वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। स्पीड अप एजुकेशन में सबका स्वागत करता हूं मैं। और स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे अपनी सीरीज के बारे में बात करेंगे, राइट। चलिए बात करते हैं एक सीरीज के बारे में जो हमने जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट करी है। एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आए। इस पेन की विजिबिलिटी को मैं एक बार बढ़ा लेता हूं। ओके, तो बात कर रहे हैं हम लोग जनरल साइंस के सीरीज के बारे में। क्या होगा जनरल साइंस सीरीज में, इसको वन बाय वन करके पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। बिफोर गोइंग टू द स्टार्ट डिस्कशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है स्पीड अप एजुकेशन, इसको आप लोग ज्वाइन कर लें। और ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आप लोगों ने काफी कमेंट किया कि सर ये वाले कोर्सेज पे मेरे को फायदा क्या मिल रहा है, इतना मैंने पे किया मुझे फायदा क्या मिल रहा है, और ये सारी चीजों को देखते हुए ये सारी चीज किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज का ये प्रॉमिस कर दूं कि जो आप अमाउंट 59 रुपीस पर मंथ पे कर रहे हैं, ये आप एक सपोर्टेड अमाउंट है। ये क्या है, सपोर्टिंग अमाउंट है। यहाँ पे कोई मैं हम लोगों ने ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया था कि आपको कोई भी एक्सक्लूसिव वीडियो देंगे। इट्स डिपेंड ऑन अप टू हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे टाइम स्लॉट्स होने के बाद भी और सिचुएशन होने के साथ अगर टाइम स्लॉट बचता है पूरे टाइम के बाद तो फिर हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। लेकिन ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम आपको कोई एक्सक्लूसिव वीडियो शेयर करेंगे, कोई पर्टिकुलर वीडियो फॉर द पेड कोर्स इसके लिए। लेकिन आई होप कि हम आपके लिए टाइम जरूर निकालेंगे और कोशिश करेंगे कुछ अच्छे से अच्छे एक्सक्लूसिव वीडियो देने की कोशिश करें, जैसे अभी दे रहे हैं। ये भी देखिए आपको वीडियो बहुत अच्छा पसंद आएगा। आज मैं बात करेंगे जनरल साइंस में बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बायोलॉजी, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। तो ऐसे हम आपको सपोर्ट करेंगे पूरा एक्सक्लूसिव वीडियो, बिल्कुल फुल प्रूफ बेटर अच्छा परफॉर्मेंस वाला वीडियो देंगे। लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि आप कमेंट में ऐसा ना करें कि सर आई पेड 59 रुपीज पर मंथ, प्लीज कवर द टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के, प्लीज कवर द टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग के, प्लीज जनरल अवेयरनेस के। ऐसा नहीं कर सकते आप, यू नो यू कांट डिमांड इन द एट द अमाउंट ऑफ 59। दिस इज ए सपोर्टिंग अमाउंट, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि दिस इज ए सपोर्टिंग अमाउंट। आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए आपको सारी क्लास हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, रीजनिंग में, मैथ्स में, जनरल अवेयरनेस भी, इंग्लिश भी, जितना हो सकता है हम उतना करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। और प्लेटफॉर्म भी हमने एप्लीकेशन का डिजाइन किया, इस पर आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह कंडक्ट करेंगे, तो वो सारी हमारी चीजें हम रन कर रहे हैं। लेकिन ये 59 रुपीज रखा था जो हम और भी ब्रांचेस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम लोग को अपने सपोर्ट करने के लिए रखा गया था, ठीक है। तो अब आगे से आप ध्यान रखेंगे कि ये एक्सक्लूसिव वीडियो इस पर नहीं है, लेकिन हम जरूर वीडियो देंगे। लेकिन ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा कंटेंट होगा, आप वीडियो के एंड तक बन रही है। देखिए इस वीडियो में क्या है, चलते हैं स्लाइड की तरफ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस चैनल को ज्वाइन कर लेना जो कि टेलीग्राम चैनल है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये डिस्प्ले कर रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सार्वभौमिक प्राप्त करता है, जो सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा, डोनेट नहीं करेगा, मतलब वो किसी भी ब्लड ग्रुप से एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपको पता है वो ए बी ब्लड ग्रुप होता है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और जो ब्लड ग्रुप रिसीव करता है। बात करिए ओ ब्लड ग्रुप है, ये ए है, ये बी ब्लड ग्रुप है और ये आपका ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब आपको दिखा रहा होगा ए बी सबसे ले रहा है, ए से भी ब्लड ग्रुप ले रहा है, बी से भी ले रहा है और ओ से भी ले रहा है, इसलिए ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट या यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। और ओ ब्लड ग्रुप ये सबको ब्लड दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन होता विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर, तो आप बोलते ओ ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल रिसिपिएंट ए बी ब्लड ग्रुप। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि ब्लड ग्रुप, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो आपको पता होगा कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी 1902 में। इन्होंने ब्लड ग्रुप को चार पार्ट्स में डिवाइड किया था, चार ग्रुप में, क्लियर है। लैंडस्टीनर और एक डीके करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार पार्ट्स में डिवाइड किया था एंटीजन के फॉर्म में। अब ये एंटीजन क्या होता है, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो मैं आपके सामने सिर्फ एंटीजन के बारे में बताता हूँ जिसके जिस फॉर्म में जिसके बेस पर चार पार्ट में ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया गया, ए ए बी बी ओ, ये चार ब्लड ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया था एंटीजन के फॉर्म में। तो क्या होता है, हर व्यक्ति का देखो, हर जैसे मान लो कोई दो पर्सन ये, एक दो पर्सन ये, इनका दोनों का ब्लड ग्रुप डिफरेंट होगा। ये डिफरेंट यानी कि इन ब्लड ग्रुप में इन डिफरेंसेस कैसे पाए जाएंगे, क्योंकि इनमें जो आरबीसीज होते हैं,
आरबीसी जिसको लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, रेड ब्लड में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ एक सेकेंड। सो जो इसमें आरबीसीज होती हैं वो डिफरेंट पाई जाती है। आरबीसीज क्या होती है? डिफरेंट पाई जाती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं डिफरेंट पाई जाती हैं, जो कि हम इसको डिवाइड किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि लाल क्योंकि जो उसमें आरबीसीज में जो प्रोटीन पाई जाती है वो भी डिफरेंट पाई जाती है, प्रोटीन भी, यानी कि जो 2% थे उनके ब्लड ग्रुप भी डिफरेंस थे, उनमें जो आरबीसीज पे जो प्रोटीन पाई जा रही थी वो भी डिफरेंस थी, और इसी प्रोटीन के आधार पर, उसी प्रोटीन के आधार पर हम रुधिर वर्ग को यानी ब्लड ग्रुप को अलग अलग पाए जाते हैं। ये जो प्रोटीन डिफरेंट पाई जा रही है इसमें पर्सन्स में, ये दो डिफरेंट पर्सन्स हैं, जो प्रोटीन डिफरेंट पाया है इसी की वजह से हम क्या कहते हैं इनके ब्लड ग्रुप भी डिफरेंस पाए जाते हैं, और इसी प्रोटीन का जो नाम होता है वही प्रोटीन हमारी एंटीजन होती है। क्लियर है? एंटीजन। यहाँ तक की बात क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर हम क्या, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे चार स्टेटमेंट दे रखे और पूछा कि इनमें से सच क्या है। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए और डीएनए और आरएनए, यहाँ पे दो टर्म्स लिखे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ डीएनए और आरएनए। अगर हम इन डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस को समझ लें तो हम इस क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वो दे सकते हैं। देखो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो आपका डीएनए होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। क्या? एक होता है आपका नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी बेस होता है, नाइट्रोजनी क्षार होता है। दूसरा आपका पेंटोज शर्करा होती है, पेंटोज शर्करा। तीसरा आपका फास्फोरिक अम्ल होता है, H3PO4 एक फास्फोरिक अम्ल होता है। और जो नाइट्रोजन बेस होता है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक एरिडिन और एक पिरिडिन, पिरिमिडिन। अगर इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या होता है आपका? थायमिन, ये गुआनिन होता है, ठीक है। और इसको भी अगर आप, ये सॉरी, ये क्या होता है? एडिलिन और एडिलिन गुआनिन और ये थायमिन और ये साइटोसिन। क्लियर है? इस पार्ट में, इन चार में डिवाइड होता है, ठीक है भाई। अगर हम बात करें आरएनए की, आरएनए में क्या होता है? जहां पे, यहाँ पे डीएनए में थायमिन पाया जाता है और आरएनए में यहाँ पे क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में जहां पर थायमिन पाया जाता है वहां पे आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। और आपसे पूछा जाए डीएनए में क्या पाया जाता है? एक हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए में पाया जाता है। डीएनए क्या होता है? एक तरह का आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए क्या है? जेनेटिकल मैटर है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। मैंने क्या कहा? डीएनए क्या है? आपका एक आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, पर आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बस कुछ वायरस है, एक्सेप्शन के तौर पे हम बात करें तो कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल तरह काम करता है। वो वायरस क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा टीएमवी वायरस, तम्बाकू मोजेक वायरस, आपने केरला में एक वायरस फैल गया था नीपा वायरस की बात करें, एड्स में एक वायरस होता है रेट्रो वायरस, आरएनए वायरस बोलते हैं। तो मैंने क्या समझाया इन लास्ट, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है? जो डीएनए का जो नाइट्रोजनी क्षार है वो आपका थायमिन है, और जो आपका आरएनए का है वो यूरेसिल है। डीएनए क्या एक जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, पर कुछ वायरस में पाया जाता है, जैसे टीएमवी तम्बाकू मोजेक वायरस, नीपा वायरस, आरएनए रेट्रो वायरस, ठीक है भाई। और डीएनए क्या पेंटोज शर्करा है, डीएनए का एक डबल हेलिकल मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, जिनको 1662 में नोबेल प्राइज भी मिला था, ये भी डिस्कस कर लिया, और ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो इसकी इस इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग जो आंसर होगा, डीएनए इज जेनेटिकल मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? डीएनए होता है। अगर हम बात करें कि वेयर इज द बोटेनिकल सर्वे ऑफ द इंडियन हेडक्वार्टर, तो ये कोलकाता आंसर होता है इसका, सी ऑप्शन। देखिए जहां पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आपसे डिस्कस करने वाली वहां पे डिस्कस किया जाएगा, जहां पे एक्सप्लेनेशन की रिक्वायर्ड होगी वहां पे 100% एक्सप्लेन किया जाएगा, जो आपका स्टैटिक कंटेंट है उसको स्टैटिक बता के आगे बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो आपका जो बोटेनिकल सर्वे का हेडक्वार्टर है वो यानी वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पर स्थित है? तो वो कोलकाता में स्थित है, ठीक है। कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कोलकाता जानते होंगे। कोलकाता आपका हुगली नदी के तट पर है, हुगली नदी के बैंक ऑफ द हुगली रिवर के जो बैंक ऑफ रिवर पर है कोलकाता में, यहाँ पर एक सी पोर्ट पाया जाता है कोलकाता और हल्दिया। क्लियर है? ओके, आप देखो क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड फूड आइटम्स इज रिच इन आयरन। तो कौन सा एक खाद्य पदार्थ है इसमें लोहे से समृद्ध, मतलब इसमें आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है? किस फ्रूट में यानी किस फूड आइटम्स में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है? तो आपको पता है एप्पल में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। एक लाइन बोलते हैं एन एप्पल कीप अवे फ्रॉम द डॉक्टर, बोलते हैं एन एप्पल कीप अवे फ्रॉम एन डॉक्टर, ठीक है भाई, एन एप्पल कीप अवे फ्रॉम एन डॉक्टर।
ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु डिस्कवर्ड कालरा जम्स, क्या लिखा हुआ है, हु डिस्कवर्ड कालरा जम्स, ये लिखा हुआ है, अब बताइए सर इसका आंसर क्या हो सकता है, हु डिस्कवर्ड कालरा जम्स। ठीक है, अब इसमें क्या डिस्कस करना है, कुछ भी नहीं, जी किसने डिस्कवर्ड किया, रॉबर्ट कोच ने, क्या ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा रॉबर्ट कोच, यहाँ पे 5 नंबर लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 हैजर उगाड़ों की खोज किसने की, कालरा जम्स की, तो रॉबर्ट कोच ने की, क्लियर है यहाँ तक बात। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुरटेक्स यूज बाय द डायबिटिक पेशेंट हैज एनर्जी कॉन्टेंट, यानी कि जब डायबिटीज किसी को होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मधुमेह, जब मधुमेह रोग होता है तो आपने देखा होगा लोगों को शुगर फ्री दिया जाता है, शुगर फ्री यूज किया जाता है, जो शुगर यूज करते हैं वो शुगर फ्री होता है, तो डॉक्टर ने एक तरह का एक निजात किया हो शुगर फ्री, जैसे कि जो पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज के उनको भी ये फील हो सके कि शुगर का फील कर, तो 0 कैलोरीज आपको जरूरत है। ठीक है, सिंपल सा आंसर है 0 कैलोरीज, राइट। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा रहा, द एलिमेंट विच इज द मोस्ट एब्यूंटेड इन द ह्यूमन बॉडी, वह तत्व जो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में होता है, सिंपल सा आंसर है क्या, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा आपके शरीर में पाया जाता है, क्लियर है। जितने भी क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीवियस एमसीक्यूज हैं, जैसे सीजल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, कोल इंडिया के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और जितने आपके पीएसयूज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये उन्हीं का प्रीवियस ईयर का आपको सेट मिलेगा, जितने पीएसयूज के सेट्स होंगे जिसमें जनरल साइंस आती है, वही सारे क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं मैं, राइट। अब देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम, जो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने के वाले ऑक्सीजन से आ रहा है। अब देखो प्रकाश संश्लेषण यानी क्लोरोप्लास्ट, एक आपने सुना होगा, पहले बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, जो कि हरित लवक बोलते हैं, हरित लवक, कोशिका का यानी कोशिका का रसोई घर बोलते हैं किसको, क्लोरोप्लास्ट को, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर बोलते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड प्रिपेयर यहीं पर करते हैं क्लोरोप्लास्ट में, क्लियर है भाई। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है एक ग्रेना होता है, स्ट्रोमा भी होता है, एक अलग बात होगी वो, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की हम बात करें, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आपको जो लाइट एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जो फूड प्रिपरेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से होती है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल या सनलाइट, ठीक है, तो हमारा क्या फूड बनता है, यानी कि ये C6H12O6 और प्लस आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे वाटर पहले H2O प्लस ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है, क्लियर है। तो यहाँ पे वाटर ऑक्सीजन गैस कैसे, वाटर के साथ ये ऑक्सीजन O2, इसको बैलेंस कर सकते हो आप, 6CO2 प्लस 12H2O करके जो भी यहाँ पे आएगा बैलेंस कर सकते हैं, 6 12 12 दूनी 24, 6CO2 यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है, 12 दूनी 24 हो गया, तो ये 12 ये हो गया, यहाँ पे 6 कर सकते हैं, बैलेंस कर लेंगे जो हो जाएगा वो बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, 6 6 12 यहाँ पे भी 6O2 कर लेंगे, ठीक है, 6O2 के आसपास होगा, यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, मैंने बैलेंस नहीं किया, 6 2 12 12 24, 6 ये हो गए और 6 6 12 12 24, क्लियर है, बैलेंस है। तो आपने देखा ये रिएक्शन हो गई फोटोसिंथेसिस की इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल के, तो क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया था वो किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, कोशिका का रसोई घर कहते हैं इसको, और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है आपका, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, लाइट एनर्जी को, प्रकाश ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और क्लोरोफिल क्या करता है, आपको जो लीफ होती है उनको हरा कलर प्रोवाइड करता है, और जो ये रिएक्शन होती है आपकी फोटोसिंथेसिस वाली, तो वो क्या करती है, उसमें से ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, उसके बाद वाटर आता है, ठीक है, ऑक्सीजन लिबरेटेड वाटर, यहाँ पे क्लियर हो गई बात। अब इतनी बात हो गई, अब आप एक और दो टर्म होते हैं, एक स्ट्रोमा होता है, एक ग्रेनम होता है, ठीक है, ग्रेनम और स्ट्रोमा। जब ग्रेनम वर्ड कहाँ से आया, आपके ग्रेन से वर्ड आया, ग्रेनम वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रेन, जब फोटोसिंथेसिस, जब प्रकाश यानी जब पौधे प्लांट्स सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की कोशिश करते हैं, जब पौधे सूर्य के प्रकाश में, जब पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, तो वो जो क्रिया होती है वो कहाँ, ग्रेनम में संपन्न होती है, यानी कि जब वह प्लांट्स फूड प्रिपेयर इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट द प्रोसेस विल बी हेल्ड इन ग्रेनम। अगर स्ट्रोमा की बात करें, स्ट्रोमा जब प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ द सनलाइट, तो वो जो प्रोसेस होता है वो कहां पर होता है, स्ट्रोमा में होता है, क्लियर है, तो ये आपका आंसर वाटर हो गया, बी ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेक्स क्रोमोसोम, भैया देखो क्रोमोसोम क्या होता है, ये टोटल आपके 23 आपकी बॉडी में होते हैं, 23 पेयर यानी कि 46,
जो 22 पेयर्स होते हैं वो आपके ऑटोसोम कहलाते हैं, ऑटोसोम, जो कि हर एक सेकेंड पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये रहा आपका पेन सिलेक्शन, और ये मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो क्रोमोसोम, मैंने क्रोमोसोम क्या होता है, 22 जो आपके पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और जो 23rd पेयर होता है वही आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। मेल में जो होता है आपका वो एक्स 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 वाई होता है, और जो फीमेल में होता है वो एक्स एक्स होता है, ठीक है। ये डिसाइड करता है आपका जो 23rd क्रोमोसोम होता है पेयर वाला, वही डिसाइड करता है आपका कि आपका जो बच्चा होगा, जो चाइल्ड होगा, वो किस सेक्स का होगा, यानी मेल होगा या फीमेल होगा। और जो ट्रांसजेंडर होता है वो एक अलग कंडीशन होती है, 47th क्रोमोसोम बनता है, एक्स एक्स वाई होता है वो अलग कंडीशन होती है, डिस्कस करेंगे अभी। तो आपने देखा टोटल क्रोमोसोम कितने 46 हो रहे हैं। अब आपने नाम सुना होगा न्यूक्लियस का, नाम सुना होगा न्यूक्लियस, नाभिक होता है ये, जो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमेटिन पाया जाता है, क्रोमेटिन थ्रेड होता है, क्रोमेटिन धागा होता है। जब इस क्रोमेटिन थ्रेड यानी क्रोमेटिन धागे का डिवीजन होता है, इसमें सेल डिवीजन होता है, किसमें, क्रोमेटिन धागे में यानी क्रोमेटिन में, जब सेल डिवीजन होता है तो ये ब्रेक करता है किसमें, क्रोमोसोम में, ठीक है। ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम क्या मैंने बोला, एक बार फिर समझिएगा क्या बोला है, बस सुनिएगा। ये आपका केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस है, इसके अंदर मैंने बताया ये उलझी हुई जो संरचना है, जो उलझा हुआ शेप है, ये क्रोमेटिन है। तो जो क्रोमेटिन यानी केंद्रक, क्रोमेटिन में जब डिवीजन होता है, सेल डिवीजन यानी कोशिका का जब विभाजन होता है, तो ये क्रोमेटिन किसमें बदल जाता है, गुणसूत्र में बदल जाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है इस क्रोमेटिन। और जो आपका क्रोमोसोम होता है, क्योंकि हम क्रोमोसोम हार्मोन्स की बात करें तो हमने क्रोमोसोम की बात स्टार्ट करी थी, जो आपका क्रोमोसोम होता है वो हिस्टोप्रोटीन से बना होता है, किससे, हिस्टोप्रोटीन से बना होता है, क्लियर है। अब आपसे पूछा क्रोमोसोम, हु डिस्कवर्ड क्रोमोसोम, तो बोलेंगे स्ट्रॉस बर्गर ने क्रोमोसोम को डिस्कवर्ड किया था। आपसे पूछा किसने क्रोमोसोम का सबसे पहले नामकरण किया था, हु डिराइव, मतलब नेम नोमेनक्लेचर किसने किया था क्रोमोसोम का, तो वॉल्डेयर ने किया था, वॉल्डेयर ने, क्लियर है, वॉल्डेयर ने। इतनी बातें क्लियर है यहाँ तक। तो इसका जो आंसर होगा वो इगन स्टाइनेक, जिन्होंने सेक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया, मतलब इगन स्टाइनेक है बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द एरिया ऑफ ह्यूमन टंग सेंसिटिव टू बिटरनेस इज रिस्ट्रिक्टेड। ओके, तो हमें टंग के बारे में बात करना, तो टंग हमारी कुछ इस तरह से दिखाई देती है ना। अगर हम टंग से पहले बात करें तो डाइजेशन की बात करेंगे, डाइजेशन हमारे शरीर में जो डाइजेशन होता है यानी पाचन होता है, डाइजेशन होता है वो दो तरह से, कई तरह से पाचन होता है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल होता है, आहार नाल से स्टार्ट करते हैं, तो जो आपका बक्कल कैविटी होता है, फिर आपका ग्रास नली होता है, फिर आपका वो अमाशय वगैरह, तो बहुत बहुत सारी चीजें होती है, पेनक्रियाज एंड ऑल, बहुत सारा होता है, स्टमक एंड ऑल। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो है टंग से रिलेटेड, यानी कि जो मुख गुहा बक्कल कैविटी के अंदर जो हमारा डाइजेशन होता है वो दो तरह से होता है, बक्कल कैविटी बीसी, दो तरह से उसका डाइजेशन होता है, एक आपका होता है केमिकल डाइजेशन, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन कौन कौन करता है, आपका एंजाइम करता है और वाटर करता है। अगर हम मैकेनिकल डाइजेशन की बात करें तो ये आपका एक टीथ करता है और दूसरा आपका टंग करता है, ठीक है। अब इस टंग की बात करें, टंग क्या हमारे टेस्ट को फील कराती है हमको, जो टंग का टिप वाला पार्ट होता है यानी कि फ्रंट वाला पार्ट होता है, ये आपको किस चीज का, आपको मीठा, जो आपको स्वीट का, स्वीटनेस का फील आता है वो आपके आगे वाले पार्ट से समझ में आता है, टिप ऑफ द टंग। अगर आप पोस्टीरियर की बात करें, सबसे फर्स्ट पार्ट की बात करें, सबसे बैक पार्ट की, तो ये आपको बिटरनेस यानी कि कड़वाहट की फील कराता है, कड़वापन कहाँ से फील होगा आपको, पीछे वाले पार्ट से। और हम बात करें, एक यहाँ पे सॉल्ट फील होता है, एक सोर फील होता है, सॉल्ट नमकीन और खट्टा, ठीक है। तो चार टेस्ट मिलते हैं हमको, मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, अब देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द लिबरेटेड गैसेज, मैंने आपके सामने रिएक्शन दिखाई थी, CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो क्या हमारा फूड प्रिपेयर हुआ कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही थी यहां से, तो क्या लिबरेटेड गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो निकल रही है हमारे यहाँ पे, कौन सी गैस मुक्त हो रही है, ऑक्सीजन गैस निकल रही, पेड़ों से हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, फर्स्ट एंटीबायोटिक, तो आपको पता पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक था, क्लियर है। देखिए ये स्टार्टिंग फॉर्मेशन, तो देयर इज नो नीड टू रिक्वायर डिस्कशन, तो पेनिसिलिन आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला वायरस क्या क्या कंटेन करता है, वायरस में क्या क्या होता है, प्रोटीन लिपिड होता है, न्यूक्लिक एसिड, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, प्रोटीन और लिपिड भी होता है, ठीक है।
प्रोटीन और लिपिड से वायरस हमारा बनता है, वायरस डिसीज सुना होगा आपने, जो एड्स होता है एक वायरस होता है, एड्स क्या एक वायरस डिसीज है, एक तरह का एचआईवी वायरस है, एक तरह का ये एचआईवी वायरस है, क्लियर है, सिंपल सी बात। तो कौन सा वायरस होता है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एक तरह का ये आरएनए वायरस होता है और रेट्रो वायरस होता है। तो ये प्रोटीन और लिपिड से बनकर बनता है आपका वायरस, प्रोटीन और लिपिड, इसमें एक तरह से बोला जाए तो डीएनए और आरएनए का भी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड का पार्ट भी बोल सकते हैं, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय विच द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बिफोर द बर्थ, यानी कि आप जन्म से पहले उसके लिंग को कैसे निर्धारण कर सकते हैं कि वो इधर मेल होगा और फीमेल होगा, क्लियर है। तो हम कैसे कर सकते हैं ये बताइए, स्पर्म्स ऑफ फादर, फ्यूटर्स ऑफ मदर, या दोनों, या न्यूट्रिशन ऑफ मदर। तो ये आप क्या कर सकते हैं, माँ के गर्भ से पता लगा सकते हैं, तो क्लियर है। माँ का गर्भ जब आपको पता होता है, जब कभी पता किया जाता है कि आपके बोलते नहीं पहले की प्रथा दीजो कि बच्चा होगा तो लेंगे, लड़की होगी तो नहीं लेंगे, ये पहले बहुत चलता था। तो मैं आपको वही चीज बताना चाहता हूँ कि इसमें इसको चेक करने के लिए माँ का गर्भ यानी फ्यूटर्स ऑफ मदर का यूज किया, इसी को टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं। अगर हम बात करें चाइल्ड रिप्रोडक्शन की, कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा क्रिस्पर कैस नाइन टेक्नोलॉजी, क्या होता है क्रिस्पर कैस नाइन, ये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी होगी जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, हम जीन में चेंज करते हैं, क्या करते हैं जीन में कन्वर्ट करते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपने देखो किसी के बारे में पहले से पता लगाना कि वो बच्चा गोरा है कि वो मेल है फीमेल है, उसके कौन से पार्ट्स किस तरह दिखते हैं, वो कितना इंटेलिजेंस होगा, तो ये सारी हमारा जेनेटिकल इंजीनियरिंग इस सारी चीजों को पढ़ता है। क्योंकि जो जीन होते हैं उसमें 99% जीन सबके सेम होते हैं, हर एक मनुष्य के 99% ह्यूमन के जीन सेम होते हैं, 1% जो चेंज करता है वही हमारा मेन होता है, 1% जो चेंज होता है, और जो इस 1% की कोडिंग होती है वो कोडिंग लैंग्वेज होती है, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ता है। अब जीन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, हु डिस्कवर जीन, जोहानसन ने सबसे पहले जीन को डिस्कवर किया था, जोहानसन ने, क्लियर है। जीन पर सभी तरह की इंफॉर्मेशन कोडेड होती है, जैसे आपके कलर की बारे में बात की, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल की बात करें, आपकी एज के बारे में बात की, सब जीन डिसाइड करता है। तो जो एक कोडिंग लैंग्वेज जो लिखा होता है जिसको जेनेटिक इंजीनियर पढ़ता है, तो वो एक क्रिस्पर कैस नाइन टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम जीन को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जीन को चेंज कर सकते हैं। दूसरा होता है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी होती है, क्या होती है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी होती है, इसके थ्रू क्या करते हैं कि हम किसी सेल्स का फिर से रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी को अपने आपने चेक कराया कि आपका जो बच्चा हो रहा है या आपकी जो चाइल्ड का रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके हाथ में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने क्या करा सेल का दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करा के उसके हाथ को चेंज कर दिया, उसके ऑर्गन को चेंज करा सकते हैं स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के थ्रू। जो सबसे ज्यादा फेमस है वो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ओवम होता है जिसका, मदर का ओवम फादर का स्पर्म दोनों मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, जाइगोट जिसे वो परख नली शिशु बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी इन आईवीएफ को बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को भी बोलते हैं। एक और टेक्नोलॉजी होती है जो 3P टेक्नोलॉजी होती है, 3P थ्री पेरेंट टेक्नोलॉजी होती है। इसमें क्या करते हैं हम थ्री पेरेंट में, मतलब इसमें एक और पेरेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, एक कपल के अलावा एक और पर्सन चाहिए होता है जो कि इस प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें क्या करते हैं इस 3P टेक्नोलॉजी में हम लोग माइट्रोकांडिया का ट्रांसप्लांट करते हैं, किसका माइट्रोकांडिया का ट्रांसप्लांट करते हैं। एक और टेक्नोलॉजी होती है इसका नाम होता है जीएम टेक्नोलॉजी, जेनेटिकल मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करते हैं हम आपको, जैसे आपने सुना होगा गोल्डन राइस में, गोल्डन राइस का नाम सुना होगा जिसमें आपने देखो बेटा गोल्डन राइस में ये करते हैं, ठीक है। आपने बीटी बैगन का नाम सुना होगा, बीटी बैगन बैकलस थ्योरी जेनेसिस का नाम भी सुना होगा, राइट। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन क्या, इकोलिप्टिस ट्रीज फाउंड इन एब्यूंडेंस। देखो इकोलिप्टिस क्या कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पानी को बहुत सोखते हैं ये, वाटर का कंजप्शन बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा पानी को सोखते हैं। तो ये नीलगिरी हिल में पाए जाते हैं, नागर होल में, और ये नागर होल एक राष्ट्रीय पार्क है वहां पे पाए जाते हैं, और एक और है बंदर करके नाम है उसमें, वहां पे पाए जाते हैं, क्लियर है। ओके यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था एज ऑफ ट्रीज डिटरमाइंड बाय, देखो एज ऑफ ट्री को हम ग्रोथ रिंग्स के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक रिंग्स बन रही है पेड़ में, जो रिंग बनती है, जैसे मान लो यहाँ पे 50 रिंग्स बनी है, 50 रिंग बन रही है, 50 वलय बन रहे हैं, तो पेड़ की एज क्या होगी, 50 साल होगी। हम रिंग्स को कैसे एनुअली काउंट करते हैं, जो एनुअल रिंग्स होती हैं पेड़ की, जो ट्री की होती है एनुअल रिंग्स ही उसकी ट्री की एज बताती है, एज ऑफ ट्री, ग्रोथ रिंग्स एनुअली वार्षिक तौर पर। आपसे पूछा स्टडी ऑफ ट्री क्या कहलाता है, पेड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ ट्रीज कॉल्ड डेंड्रोलॉजी कहते हैं, क्लियर है बात। यहाँ तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेंड्रोलॉजी वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एलिजा टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डायग्नोज। आपको पता है एलिजा टेस्ट हम लोग एड्स के लिए करते हैं। एड्स का फुल फॉर्म कहता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और एलिजा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है एंजाइम्ड। तो एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक सेकेंड, और ये पेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मैंने एलिजा एड्स का फुल फॉर्म बताया था एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्लियर है। अब एड्स के बारे में बात किया, एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है एंजाइम, आई एल स्टैंड फॉर लिंक, आई स्टैंड फॉर इम्यूनो, एस स्टैंड फॉर सॉर्बेंट, ए स्टैंड फॉर एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एड्स एड्स एक तरह का आरएनए वायरस होता है, ये तरह का आरएनए वायरस होता है, रेट्रो वायरस बोलते हैं इसको, आरएनए रेट्रो वायरस होता है, एक तरह का एड्स होता है, क्लियर है। आरएनए रेट्रो वायरस होता है, क्लियर है। तो ये एचआईवी होता है, एचआईवी वायरस से फैलता है एड्स आपका। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, क्या होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है आपका एचआईवी वायरस। और ये एक तरह की वायरस डिसीज होती है, आपसे पूछा सकता है कि एड्स किस तरह की डिसीज है, तो आप बताएंगे एड्स एक तरह का वायरस डिसीज है, क्लियर है। आपने एक और सुना होगा एड्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, अगर इसका ट्रीटमेंट करना चाहें तो एक दवाई आती है उपचार एजेटी, ठीक है, एजिडोथाइमिडिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एजिडोथाइमिडिन। दूसरी एक और होती है सुरामीन होती है, सुरामीन, ये इसके ट्रीटमेंट है। अगर आपने देखा वो भारतीय भारत सरकार ने एक अभियान चलाया था, एक कैंपेन चलाया था रेड रिबन के नाम से, कैंपेन चलाया था जिसमें देखो आपने हाथ में रेड रिबन बांधे, कुछ कुछ प्लेयर्स बांधे होंगे, ये किस लिए था कि एड्स के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने के लिए रेड रिबन का एक गवर्नमेंट का स्कीम में निकाला गया था। एड्स को कंट्रोल करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, नाको बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर है न्यू दिल्ली में है। नाको का फुल फॉर्म क्या नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको बनाया गया नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके न्यू दिल्ली में है, क्लियर है। तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एड्स से रिलेटेड, तो आप बताएंगे कि एड्स एक तरह का वायरस डिसीज है जो कि आरएनए रेट्रो वायरस से फैलता है। एड्स का जो वायरस होता है वो एचआईवी वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, और इसमें एलिजा टेस्ट होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। आपसे अगर ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन में ना हो तब आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में, एलिजा के अलावा एक और टेस्ट होता है नेवा टेस्ट, नेवा टेस्ट भी करते हैं हम लोग इस एड्स को टेस्ट करने के लिए, नेवा टेस्ट भी करते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया रेड रिबन गवर्नमेंट ने चलाया, ट्रीटमेंट एजेटी एजिडोथाइमिडीन, दूसरा सुरामीन है ना, और एक कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। यहां तक की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर बताएं। ओके, तो आपको यहां तक की इंफॉर्मेशन कैसी लगी जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए क्वेश्चंस, वहां का आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, तो प्लीज कमेंट करें आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगा। और हम आपसे उम्मीद करते हैं आप कोई भी ऐसा कमेंट नहीं करेंगे जो हमें डिमोटिवेट करता हो, ठीक है। हम आपके कमेंट से कभी डिमोटिवेट होते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक दुख होता है कि हम अगर अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं और यू आर टॉकिंग अबाउट द मनी, यू आर पेइंग द 59 rupees पर मंथ एंड यू आर डिमांडिंग ऑफ द वीडियोस ऑफ सच टॉपिक्स, तो ऐसा नहीं करें। हम एक्सक्लूसिव वीडियो आपको अपने अकॉर्डिंग ही दे पाएंगे क्योंकि हमारा टाइम स्लॉट जितना भी हमारा पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ जो भी है उसी के बाहर आके हम आपके अपने लिमिट्स के रिकॉर्डिंग ही काम कर सकते हैं, राइट। तो हम जो भी एक्सक्लूसिव कंटेंट होगा लेकिन जो भी वीडियो देंगे वो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट वीडियो होगी। ये आप हमारे पर छोड़ दीजिए, आपने एक बार सपोर्ट का अगर नाम ले लिया है, जब आप किसी का सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको याद ना दिलाएं कि सर हमने आपका सपोर्ट किया, क्योंकि आप जिसका सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आपका एहसान लदा हुआ है, वो आपकी इस बात को नहीं भूल पाएगा टिल द जब तक आप उसके साथ कनेक्टेड है, राइट। तो सपोर्ट करने के बाद कभी याद मत दिलाएं कमेंट में या कहीं पर भी किसी को भी, नॉट इवन फॉर द स्पीड ऑफ एजुकेशन, इफ यू आर सपोर्टिंग फॉर द किसी पर्सन को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, तो आप उसे नहीं बताएं कि मैंने रोटी खिलाया था, आप छोड़ दें उसको खिलाने बात, क्योंकि कर्म करें फल की चिंता ना करें, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, और हो सकता है मैं इस वीडियो को पब्लिक भी करूंगा आगे आने टाइम पर, लेकिन डिपेंड करेगा आपके व्यूज के अकॉर्डिंग। अगर आपका व्यूज अच्छा होगा तो ये इट विल बी नॉर्मल वीडियो, नहीं तो फिर मैं आगे इस वीडियो को देखूंगा, ठीक है। तो आपके व्यूज मैटर करते हैं, आपके कमेंट मैटर करते हैं। एक स्टूडेंट का नाम लेना चाहूंगा शशि कुमारी जी, ठीक है, शशि जी है। देखो इनके जो हर एक स्टूडेंट्स एक अलग तरह का स्टूडेंट होता है, लेवल ऑफ थिंकिंग अलग अलग होती है, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ इनका जो कमेंट्स होता है एंड जो लेवल ऑफ थिंकिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। एज अ बिहाफ ऑफ द एजुकेटर थिंकिंग, देखिए आप भी समझते हैं कि हमारा भी प्रॉब्लम कुछ होता है, क्लियर है। तो इनके जो कमेंट्स होते हैं हमको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करते हैं। तो सो थैंक यू सो मच मैम शशि मैम,
और भी जो स्टूडेंट्स हैं इन्हीं की तरह थिंकिंग रखते हैं और इन्हीं की तरह कमेंट नहीं कर रहे हैं पर सोच इन्हीं की तरह रखते हैं, उनको भी मेरा थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।